लौंडा जवान हो गया, लौंडा जवान हो गया, लौंडा जवान हो गया। ओ पहा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, पहा खूबसूरत। तो व्हाट इज योर चैनल नेम? DK ट्रैवल। ओके, माय चैनल नेम इज टीम इरफान ब्लॉग। ओके, फाइनली इस बंदे की कार हम लोगों ने बुक कर दिया और भाई जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस टू मीट यू ब्रो। ताज होटल और इधर रहा गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो गाइस मुंबई की यही जिंदगी है, बड़ा पाव शॉर्टकट में पेड़ भर जाता है, शॉर्टकट में पेड़ भर जाता है, शॉर्टकट में पेड़ भर जाता है बहुत जल्दी, पैसे भी कम है इसके। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग शाम कर चुके हैं, हम लोग शाम का भी व्यू देख सकते हो यहाँ पे। सो ही गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अयूब के साथ ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो अभी फिलहाल ट्रेन आ चुका है तो चलते हैं। फाइनली स्टेशन पहुँच गया और यहाँ पे अयूब ने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पे अयूब से आगे सबसे पहले मिलता हूँ। स्टेशन तो पहुँच गया था और अयूब भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बाकी मेरे पीछे था क्या? मैं तो देख लिया था पहले से। देख लिया था। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी अपन जाते हैं सबसे पहले नमाज पढ़ने जाते हैं। ओके, नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद फिर जाते हैं गेटवे की तरफ। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे और ताज होटल भी आप लोग मैं दिखाऊंगा, गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखाऊंगा। ताज होटल वैसे जाके खाना खाने वाला है गाइस अगले महीने। नहीं यार, नहीं बात अभी नहीं, जब ऐसा कुछ होएगा तो मैं जाऊंगा, ये वीडियो याद रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा होगा उधर का। वाह यार, तो अभी चलते हैं नमाज पढ़ने, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग, मैं CST स्टेशन के बाहर हुआ, इधर का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया है, और यहाँ पे सारे लोग रुकते हैं और फोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आप लोग को लोकेशन इधर का। क्या ये इस तरफ का व्यू बहुत सही है, तो यही व्यू आता है बाहर से। ये BMC की बिल्डिंग है गाइस, एशिया का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा BMC की बिल्डिंग है ये, है ना? हिंदी में क्या लिखा हुआ पता? भू मुंबई। भू है नहीं, ब्रह्म ब्रह्म मुंबई है, मुंबई महानगर पालिका। अगर हम लोग पढ़ाई के टाइम में अच्छे से पढ़ लेते तो भाई आज ये प्रॉब्लम नहीं होता भाई, है ना? आज हम लोग यहाँ रहते। तो आप लोग पढ़ के बताओ और कमेंट में बताओ कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये BMC की बिल्डिंग है, तो यहाँ से देख सकते हो, और इधर CST हो गई, और यहाँ पे सारे लोग आते हैं, यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करवाते हैं, और यहाँ से लोकेशन बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ से सारे लोग फोटो शूट करते हैं, तो अब हमारा भी फोटो शूट वीडियो वगैरह हो गया। अरे यार, फोटो तो मैंने क्लिक ही नहीं करवाया भाई। हमारा? अच्छा, तुम्हारा नहीं, सॉरी, मेरा हो गया वीडियो। सो DK ट्रैवल। ओके, माय चैनल नेम इज टीम इरफान ब्लॉग। ओके ओके, I will see your YouTube channel. Okay, yeah. Can you see me my YouTube channel? Yeah. I will subscribe your channel. Okay, sure, why not? So, when you come here in this Mumbai? Saturday. Yeah. For only vlogging. Vlogging and also a little bit traveling. Yeah. So, where are you going right now? Right now? Yeah. I'm going to this place. Yes. I think Gateway of India? No, I already been there. Okay, Viewing Something Gallery. Like a nice Gallery. View. Yeah. Viewing Gallery, okay. Uh-huh. I'm like waiting for the Uber, but it's a little bit hard. I'm going to Gateway of India behind the front of Taj Hotel. You know Taj Hotel? Yeah, actually I've been there in this morning. Okay. Can I ask one question? Yeah. You guys from Mumbai or other part of there? Yeah, I'm in Mumbai. Mumbai. Yeah. So, what is the best thing in Mumbai? What do you like about Mumbai? Things, many best things in Mumbai. For example, Taj Hotel, Gateway of India, Marine Drive, and Bandstand, Suvi Chapati. Best things in Mumbai. Okay, yeah. So you can go there and shoot your vlog. Very best thing in Mumbai. Okay, thank you so much. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Can talk Japanese? Okay. Yeah, sure. अयूब ये पता नहीं जापनीज में क्या क्या बातें कर रहे थे। अयूब को बहुत अच्छे से जापनीज आती है, तो ये लोग जापनीज में बात कर रहे थे और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तो ये लोगों को देखो कैसे बात कर रहे हैं। पाव भाजी तो
तो ये भी जापान से भाई आए हुए हैं, तो इसको कुछ वर्ड जानना है हिंदी में, तो ये इंग्लिश में बता रहे हैं, तो हम लोग हिंदी में उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ उसका मतलब होता है। यू से बहुत खूबसूरत तुम हो, बहुत खूबसूरत तुम हो, खूबसूरत बहुत टेल मी तुम बहुत सेक्सी हो, तुम बहुत सेक्सी हो। बोलो लौंडा जवान हो गया, लौंडा जवान हो गया, लौंडा जवान हो गया। यहाँ पे ये अच्छा बोला, तो हिंदी में ये बात करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स गो, अब यहाँ से चलता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। फाइनली इस बंदे की कार हम लोगों ने बुक कर दिया और भाई जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस टू मीट यू ब्रो, नाइस टू मीट यू दाइकी सा, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैसा लगा यार? यार अय्यूब जापानीज में क्या क्या बातें कर रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यार। मतलब अय्यूब को जापानीज बहुत अच्छे से आती है, तो वही कंसल्टेशन ये कर रहा था, उससे डिस्कस कर रहा था क्या क्या उसको प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि भाई टैक्सी बुक कर दो, तो हम लोगों ने टैक्सी बुक कर दिया और टैक्सी आ गया, तो फाइनली वो चला गया। तो अब हम लोग चाहते हैं कुछ खाते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है? तो चलते हैं। तो गाइस मुंबई की यही जिंदगी है, बड़ा पाव शॉर्टकट में पेड़ भरता, दिन चला शॉर्टकट में पेड़ भर जाता है, शॉर्टकट में पेड़ भर जाता बहुत जल्दी, पैसे भी कम है इसके, और बड़ा पाव खाओ पूरा दिन चलाओ, बहुत टेस्टी भी है। तो सीएसटी स्टेशन उतरने के बाद आपको गाड़ी भाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से हम लोग पैदल ही आ गए। अगर आपने स्टैमिना है 2 किलोमीटर पैदल चलने की तब, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं, 1.9 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास आपको वहाँ से पड़ेगा। तो उसके सामने रोड क्रॉस करके ये वाला रोड धर लेने का, और एकदम सीधे चल लेने का, ठीक है? चर्च गेट भी जाएगी, गेट ऑफ इंडिया भी जाएगी, तो वहाँ पे जाके बाद सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट हम लोग का पैदल चलने का मकसद ये है क्योंकि बीच में एक लाइब्रेरी पड़ेगी, वो लाइब्रेरी के पास जाने का कुछ काम है। ओके, तो चलते हैं अभी। तो इधर भी हम लोग आ गए हैं जो कि लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ये लाइब्रेरी मुंबई की बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यही है मुंबई की लाइब्रेरी, बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियोज भी बनाते हैं। तो अभी हम भी बनाएंगे और अय्यूब शूट करेगा, क्या भाई करेगा ना? सो फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे न्यू ताज भी हम लोग सामने से दिख रहा है। तो ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, तो अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे, इधर से न्यू ताज होटल है, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये देख सकते हो गाइस कि इधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इधर से आप लोग टैक्सी ले सकते हो जहाँ जाना है आप लोगों को, और उधर से हम लोग जाएंगे अभी। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ताज होटल के बैक साइड से हम शुरू करते हैं। तो इधर का मैं दिखाता हूँ, ताज होटल के बैक साइड में स्टारबक्स है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा स्टारबक्स बोलते हैं भाई, पर ये रहा ताज होटल का बैक साइड का सीन, कैसा व्यू आप लोग देख लो, और फिर फ्रंट से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी इधर से देखो व्यू, तो उधर भी मैं जाऊंगा, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन करके। तो ताज होटल का बैक साइड का जो गेट भी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओ भाई, ये रहा ताज होटल का बैक साइड का गेट है, अभी आप लोग बाहर से देख लो भाई, अपन अंदर से दिखाएंगे। ये रहा, तो फ्रंट से भी दिखाएंगे, अभी फिलहाल बाहर से देख लो, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो अंदर से भी दिखाएंगे। हाँ, वक्त आप ही लोग लेके आओगे, ठीक है? जल्द से जल्द वक्त लेके आओ, बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, इसको आप लोग वायरल करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, अपने गया गए ये अपने बिहार गया यार, एटलीस्ट सपोर्ट करो इसको, बहुत सपोर्ट करो, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगा, आप लोग का बहुत नाम लेगा। और ये देखो भाई इधर का व्यू, ओ माय गॉड, वो रहा न्यू ताज है वो, और ये जो है ये ओल्ड ताज है, ताज जो बोलते हैं ताज होटल।
तो फाइनली गाइस गेट वे ऑफ इंडिया हम लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के लिए कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं लगती है, तो फ्री है, ऐसा कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो यहाँ पे मैं व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पर का। तो इधर रहा ताज होटल और इधर रहा गेट वे ऑफ इंडिया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इधर हम लोग, तो ये हमारा मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा फर्स्ट टाइम है क्या? देख लो भाई। मतलब गोरे काले सब लोग हैं यार, सारे फोटो वीडियो सब पे बना रहे हैं। ये बोट राइड पे जाती है, इसका टिकट आई थिंक 250 रुपये करीब है, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो जाऊँगा, अभी मैं नहीं जा रहा। टाइम हो गया तो अब यहाँ पर से चलते हैं, और यहाँ पर फोटोज वीडियो जो भी था वो हो गया। मरीन कहाँ जा रहे हैं? मरीन ड्राइव चलते हैं किधर भी, उधर जाके आराम से बैठेंगे, फिर उधर का व्यू चलते हैं, अभी हम लोग वहाँ जाके आराम से बैठ के बात करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव, यहाँ से हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि 1.5 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। हम लोग बात बात करते हैं अपना निकल जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर। ये इंडिया की एयर इंडिया की बिल्डिंग है, एयर इंडिया का जितना भी वर्क होता है ना यहाँ पे होता है। एयर इंडिया मेन ऑफिस है पूरे इंडिया का, जो एयर इंडिया कंट्रोल होता है यहीं से होता है। सो फाइनली वी आर हेयर ऑन द मरीन ड्राइव, तो यहाँ पे बहुत सुकून लग रहा है, और अच्छी आवाज़ है। ये देख सकते हो वहाँ से मरीन ड्राइव स्टार्ट है, पूरे लोग बैठे हुए हैं, पूरे मतलब उधर तक इधर तक देख सकते हो। हेलो गाइस, ये है हमारा न्यू घर, कैसा लग रहा है आपको? एकदम समुद्र का हवा आ रही है, 4 करोड़ में, वो भी 2 BHK, 1 BHK इधर, 1 BHK मेरा, इसलिए इतना महंगा क्योंकि समुद्र का व्यू आएगा। हाँ, और नहाना कहाँ है? समुद्र में, बाथरूम कहाँ जाना? समुद्र में, क्यों नहीं क्या 4 करोड़ का। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग शाम कर चुके हैं, आप लोग शाम का भी व्यू देख सकते हो यहाँ पे, शाम का भी नज़ारा बहुत सही आता है। तो वैसा का वैसा ही भीड़ है जैसा था शाम का। तो अभी हम लोग चलते हैं, और चलने के बाद मिलते हैं कि कहाँ हम लोग जाते हैं। आप लोगों ने मैंने सब कुछ आज दिखाया, और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।